हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइक्रो चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में कन्वर्ट फॉर्मूला यूज करना। अब कन्वर्ट फॉर्मूले का हम एक्सेल में यूज क्यों करते हैं? नॉर्मली क्या है कि अगर अगर हमें किसी फीट को अगर इंचेज में कन्वर्ट करना है या इंचेज को फीट में करना हो, तो उसके लिए हम नॉर्मली गूगल सर्च करते हैं, तब जाके हमें वो कन्वर्ट वहाँ पर रिजल्ट उसका दिखता है। लेकिन कन्वर्ट फॉर्मूला एक ऐसा फंक्शन है कि जिसके थ्रू आप फीट को इंचेज में या इंचेज को फीट में या डे को आवर में, किलोग्राम को ग्राम में, किलोमीटर को फीट में और आवर को डे में, इस तरह से और भी इसमें कई हैं ड्रॉप डाउन जिसके थ्रू आप जो है कई चीजों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने फीट को कन्वर्ट किया है यहाँ पर इंचेज में, और इस वाले में मैंने इंचेज को कन्वर्ट किया है फीट में, और यहाँ पर मैंने डे को कन्वर्ट किया है आवर में, और यहाँ पर मैंने किलोग्राम को कन्वर्ट किया है ग्राम में, और यहाँ पर मैंने किलोमीटर को कन्वर्ट किया है फीट में, और यहाँ पर आवर को मैंने डे में कन्वर्ट किया। अब आप देख रहे होंगे कि एक फंक्शन से हम कितनी चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें और भी ऐसी चीजें हैं जिससे आप कई चीजें इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, केवल 6 टाइप के जो मैं जिनको कन्वर्ट करूंगा वो बताऊंगा। इसके अलावा और आप और भी जिस हिसाब से आपको नीड है उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको ये दोबारा इसको सभी को रिमूव करता हूँ, ताकि मैं आपको दोबारा सभी को आसानी से समझा सकूँ। तो मैं इन सभी को यहाँ पर रिमूव करता हूँ वन टाइम के लिए। तो ये मैंने अभी यहाँ पर सारे रिमूव कर दिए। तो अभी यहाँ पर क्या है, हमें फिट को इंचेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम सिंपल से यहाँ पर इक्वल टू कन्वर्ट, कन्वर्ट में जब हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है नंबर कि आपको कौन से नंबर को कन्वर्ट करना है, तो हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉमा यूज किया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कई तरह के यहाँ पर लिस्ट आ गई है, जैसे ग्राम है। तो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जिस फॉर्मेट में यहाँ पर ग्राम, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्राम है तो उसको डबल इनवर्टेड कॉमा आपको जी ऐसे यूज करना है, सिलेक्ट के लिए ऐसे यूज करना है, तो आपको इसी फॉर्मेट में वो चीज वहां पे यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये वहां पर फिर उसका रिजल्ट प्रॉपर आ नहीं पाएगा। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या है कि फिट को इंचेज में कन्वर्ट करना है। तो फिट के लिए अगर आप थोड़ा इसको नीचे अगर आप ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो यहां पर अगर फिट देखेंगे हम, तो ये देखिए फिट। तो ये इसके लिए हमें यहां पर, क्योंकि हमें फिट से कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर डबल इनवर्टेड एफ टी, ठीक है? अब किस में करना है, हमें इंचेज में करना है, ठीक है? तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, या आप उसको ऐसे भी मैन्युअली टाइप करके लिख सकते हैं, और इसके बाद इसको आप इंटर यहाँ पर कर दीजिए। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला था ये, देखिए अब इसका रिजल्ट आ गया। इसने क्या है कि जो फिट था उसको यहां पर इसने इंचेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अब इसी तरह इसका अपोजिट है, हमें इंचेज को फिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी सेम वही है, कन्वर्ट ये नंबर हम चूज करेंगे। अब हमें इंचेज को फिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम यहां पर ये वाला यूज करेंगे। अब यहां पर आप चाहें तो यहां भी दे सकते हैं कि इंचेज के लिए कौन सा, देखिए यहाँ पर इसलिए डबल इनवर्टेड के अंदर यहाँ लिखा है इन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन, ठीक है? अब हमें किस में फीट में कन्वर्ट करना है उसको, तो ये वाला है, तो इसके लिए हम सिंपल से यहाँ पर एफ टी और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ये देखिए। अब इंचेज को इसने फीट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा, यहां पर हमें डे को आवर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यहां पर सिंपल सा वही कन्वर्ट, ठीक है? अब यहां पर डे हमें सर्च करना है क्योंकि हमें डे है, तो उसके लिए हम यहां पर अब डे हम ढूंढेंगे यहां पर, कि अगर आप यहां भी देख सकते हैं ये देखिए डे वाला ये है, तो हमें इसी फॉर्मेट में यहां पर लिखना पड़ेगा DAY, ठीक है? अब हमें किसमें इसको रिप्लेस करना है, आवर में, तो हम यहां पर आवर आप यहां से देख सकते हैं, या आप सिंपल सा एच आर भी यूज कर सकते हैं,
और फर्स्ट टाइम के लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो ये एचआर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ एचआर डबल यूनिट कॉमा एंड क्लोज, सॉरी इसको मैं क्लोज करता हूँ, आई थिंक इसमें कुछ इरर आ गया है। तो मैं इसको जस्ट स्केप कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलिए दोबारा ट्राई कर लेते एक बार, कन्वर्ट, ठीक है। डे से हमें इसको रिप्लेस करना है, फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे एच आर, ठीक है। ये हम सिंपली इसको इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डे को किया है कन्वर्ट आवर में, तो एक दिन के अंदर कितने 24 घंटे होते हैं, यहाँ 2 दिन के अंदर 48 आवर्स, यहाँ पर 3 दिन के अंदर 72 आवर्स। तो यहाँ पर इसने डे को आवर में कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर किलोग्राम को हमें यहाँ ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी हम सेम वही कन्वर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें किलोग्राम का देखना है, तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे यहाँ आएंगे केजी में हमें लिखना है, तो काफी लंबी लिस्ट है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो अभी केजी मिल नहीं रहा है, तो मैं अभी यहाँ पर हमें केजी आप ऐसे लिखेंगे सिंपल सब। कन्वर्ट किस में करना है हमें, ग्राम में। तो देख ग्राम देखिए पहले में ही है, तो हमें इसको डबल इनवर्टेड कॉमा स्मॉल में जी में करना पड़ेगा, और उसको हम यहाँ पर कुछ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 किलोग्राम में ये इसके यहाँ पर 1 किलोग्राम था, उसको इसने इस तरह से यहाँ ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कितना ही पावरफुल फंक्शन है, छोटा फंक्शन भले ही है, लेकिन जो इसका यूज है कई चीजों में, मल्टीपल इसका यूज आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा है किलोमीटर को फीट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर आएंगे कन्वर्ट दिस। अब यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में नीचे देख भी सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर किलोमीटर के लिए सिंपल सा देंगे। अब हमें किसमें इसको यूज करना है, फीट में, तो उसके लिए हम यहाँ पर एफ टी एंड देन इसको हम यहाँ पर इंटरप्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो किलोमीटर था उसको इसने यहाँ फीट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आवर को हमें डे में करना है, जैसे हमने पहले में क्या किया था, डे को आवर में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, हमें यहाँ पर आवर को डे में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम सिंपल सा कन्वर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डबल यूनिट कॉमा करके एच आर, ठीक है, फिर डबल यूनिट कॉमा, अब हमें डे में कन्वर्ट करना है। देखिए डे वाला ऑप्शन आ गया हमें जो हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर डे और सिंपली यहाँ इंटरप्रेस कर देंगे, और यह भी कन्वर्ट हो गया है। तो ये देखिए 24 आवर को इसने एक दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया है, 36.1.5, अगर मैं आप 48 करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 2 डेज के हिसाब से हो गया, 72 आवर्स के हिसाब से यहाँ पर 3 डे यहाँ पर इसने कन्वर्ट किया। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे ऑप्शन है, अभी तो मैंने केवल आपको ये 6 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि कैसे आप फीट को इंचेज में या इंचेज को फीट में, और डे को आवर में, और किलोग्राम को ग्राम में, किलोमीटर्स को फीट में, आवर को डे में। तो इस तरह के इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप जैसे करेंगे कॉमा करते ही आप देखेंगे यहाँ पर कितनी सारी लिस्ट है कि जिसको ये कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट उसका दे देगा। अब नॉर्मली अगर आपको यहाँ पर किसी फिट को अगर उसमें कन्वर्ट करना है, या किसी को फिट को इंचेज में या इंचेज को फिट में करना कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा गूगल में सर्च करना पड़ता है, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिल पाता है। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है कन्वर्ट फॉर्मूला कि जिसके थ्रू आप किसी भी फीट को इंचेज में या इंचेज को फीट में, डे को आवर में, किलोग्राम को ग्राम में, जिस तरह से भी आपकी नीड है, जो भी इसमें ऑप्शन है नीचे लिस्ट में, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक माइकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।